गरीब का मसीहा एक ही है मोदी, बस गरीब का मसीहा, गरीब का मसीहा एक ही है। हमारे देश में बहुत ज्यादा आया, बाढ़ आया, मकान गिरा, सब कुछ हुआ, आपदा बहुत आया, लेकिन आज तक कोई माइका लाल 3 साल तक मुफ्त राशन नहीं दिया। मोदी ने दिया खाली बस। दिया दिया है तो बोलूंगा, दिया है, कोई ऑप्शन भी नहीं है दूर दूर तक। क्या और क्या, एक केजरीवाल जी है, चूहा मर जाएगा उसको फेंकवाने से पहले बोर्ड लग जाएगी। ये अरविंद केजरीवाल के कर कमलों द्वारा सुशोभित किया गया। अरे उनका जो है ना, अभी एक नाली बन रहा है मंडावली में, वो सिसोदिया जी जेल में है, लेकिन उनका ट्वीट आ गया कि पंडित चौक पे नाला बन रहा है मनीष सिसोदिया के कर कमलों द्वारा। अच्छा। वो तो जेल में कर कमल ढूंढ रहे हैं, कमल ढूंढ रहे हैं। अब केजरीवाल जी का नंबर है, वो भी जाए जेल में, वहाँ का खिचड़ी खाए, मकान में ताला मार दे। और मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जनता के लिए, सबके लिए, हक के लिए अच्छा कर रहे हैं। देश को बेच रहे हैं मोदी। अरे आज तक भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई माइका लाल देश नहीं बेच सकता है, लीज पे ले सकता है लेकिन बेच नहीं सकता है। अच्छा, हाँ, काहे बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल बार बार, अनपढ़ गवार भी बोल देते हैं मोदी। तो बोलने पे, बोलने पे ही तो मुख्यमंत्री बने हैं, बोलने पे ही तो मुख्यमंत्री, उसी शीला दीक्षित को जेल भेजे, उसी के पीछे पीछे आप पड़े हैं। तो क्या ये थोड़ी, अच्छा यार आप बीच में क्या लग रहा है? ठीक है, ये जो 26 लोगों की जो खिचड़ी बनी हुई है, बड़े बड़े नेता है उसमें, बड़े बड़े कुछ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कुछ मुख्यमंत्री हैं, बोल रहे इस बार मोदी को हम, मतलब कोने कोने से आवाज आ रही है कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे इस बार हम, तो क्या लग रहा है जनता किस तरफ जा रही है? ऐसा जनता तो उसके तरफ है जो जिसको बनाएगा, लेकिन जो बोल रहे हैं ना वो ढिबड़ी चटाई का दुकान खोल करके आनंद विहार में बैठेंगे। समझ गए, दुकान खोल के ढिबड़ी चटाई का, ये क्या होता है? ये बिहार में चलता है ढिबड़ी चटाई, जो रोड पे बैठता है। दुकान खुलवाओ, हाँ और क्या, अच्छा तो और क्या बचेगा? अच्छा मोदी से क्या करवाओगे? एक बार नायडू जी ने झगड़ा किए मोदी जी को, वो तहस नहस हो गए। समझ गए, जो जो इनसे किए सब अपना अपना लोटिया ले करके ढिबड़ी चटाई का दुकान खोल लिया है। अब केजरीवाल जी का नंबर है इस बार, वो भी ढिबड़ी चटाई का नंबर। किसका नंबर है? हाँ, उसके बाद किसका नंबर? ये नीतीश तो आ गए, इसी बार में सब आ गए, सब इसी बार में सब। क्या लग रहा है मोदी सरकार का, मतलब अगर जीत दर्ज करेगी तो कितना जीत दर्ज करेगी, कितना बड़ा, पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी या फिर इस बार? पिछले बार से भी अच्छा आएगा। कब आएगा कि अच्छा आएगा? अच्छा आएगा, पिछले बार से भी अच्छा आएगा, इस बार का और माहौल अच्छा है। माहौल अच्छा है, अच्छा वो लहर, वो तूफान सब बरकरार है क्या? सब कुछ बरकरार है। जब चंद्रयान पे झंडा फहरा दिए तो ये तो देश है, यहाँ पे तो झंडा फहरा ही गया। बोलते हैं तो वैज्ञानिक ने फहराया है ना, क्या वैज्ञानिक मोदी थोड़ी फहराया है? एक सेकंड, वैज्ञानिक पहले भी था, वैज्ञानिक पहले जेल में जाता था, लेकिन अभी का वैज्ञानिक झंडा फहरा रहा है। अच्छा, पहले का वैज्ञानिक जेल में जाता था जो अच्छा काम करता था, अभी का वैज्ञानिक झंडा फहरा रहा है और तारीफ ले रहा है, तारीफ ले रहा है। करता मोदी नहीं है, करता मोदी नहीं है, पीठी ठोक दिया वही बहुत है, वही बहुत। मोदी के बाद क्या लग रहा है? मोदी बता, उम्र हो गई है, मोदी बात कौन योगी बाबा, हाँ योगी बाबा के सिवा और कोई नहीं, मोदी मोदी योगी, हाँ योगी ही राज जुड़ी रहने वाली, हाँ ये यही मोदी के बाद। आप कह रहे हो कि पहले वैज्ञानिक नहीं थे, ठीक है, पहले नेता भी यही थे, पहले सारा चीज यही थे, लेकिन क्या था, जम्मू कश्मीर जाने के लिए सोचना पड़ता था, नेता भी यही थे, सब चीज यही थे, तो आज हम चांद पे जा रहे नहीं जा रहे, जम्मू कश्मीर तो गए, अब चांद पे भी गए, तो नेता तो वही है ना, तो इसीलिए तो मोदी जी चाहिए हमें, इसीलिए मोदी जी चाहिए। क्या चाहिए आपको, कौन चाहिए भैया जी? जो जनता चाहेगी वो, आप भी हो 9 साल देख लिए मोदी सरकार को, हाँ सबके काम अच्छे हैं, वो तो अब लोगों का मन है किसको दे रही है वोट। आपका क्या मन है? मेरा मन क्या है, मेरा मन जो अच्छा काम करेगा उसे वोट देंगे, जो अच्छा काम। अब केजरीवाल ने लोगों को शराब पिरा के मार दिया, तो क्या उसे वोट देंगे? मार दिया, शिक्षा के नाम पर ठगा है, क्या उसे वोट देंगे? ये तो विश्व का नंबर वन शिक्षा होती है। अरे जिसका खुद सीए क्या नाम है मनीष सिसोदिया पढ़ा हुआ ना हो, वो जनता को क्या पढ़ाएगा भाई? वो खुद 12वीं फेल है, ढकोसलेबाजी है सब। अच्छा, केजरीवाल खुद भी शराब पीता है और जनता को भी पिलाना चाह रहा है, और मारना चाह रहा है सस्ती शराब पिला के। मोदी जी चाह रहे हैं कि बढ़िया शराब पिलाई जाए, तो इसलिए मोदी जी तो पिला नहीं रहे, और केजरीवाल चाह रहा है सस्ती शराब दिल्ली पिए,
बिजली पानी बस ये सब का नाम करके ठगा जा रहा है जनता को। आने वाले 5 साल में केजरीवाल जूते लेके कपड़े लेके जो है पाकिस्तान भागेगा, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का ही है। ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्यों बता रहा हूँ, जो भी हिंदुस्तान को खोखला करने की सोच रखेगा वो पाकिस्तानी होगा, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला क्यों ना हो। जो हिंदुस्तान को खोखला करने की साजिश रखेगा वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो, हिंदुस्तान की जाति का हो, कुछ भी हो, मगर है वो पाकिस्तान की सोच का और वो पाकिस्तान का ही है। कट्टर ईमानदार कट्टर भक्त बताते हैं अपने आप को देश का, आप बोल रहे हो कि वो पाकिस्तान के भक्त कौन है जो देश के लिए सोचे? वो देश के लिए सोच ही कहाँ रहा है, सोचेगा कोई बाप चाहेगा मेरा बच्चा शराब पिए? तो आप मुझे बताइए। हाँ। तो फिर बताइए वो लीडर कैसा है जो शराब पिला रहा है, उसे तो ये चीजें बैन करनी चाहिए। बताइए जो युवा जो आज की डेट के अंदर चूतियों की तरह धक्के खाने लग रहे थे ना, अब वो आज की डेट के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से नौकरी करने लग रहे हैं। क्या नहीं किया उसने आज 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 इंडिया, नहीं नहीं सुनो, मैं 100 बातों की एक बात, इंडिया की डेमोक्रेसी की वैल्यू जो है वो आज कहां से कहां पहुंच गई है। आज इंडिया समिट करने के लिए इंडिया के अंदर 20 राष्ट्र के मतलब वो आने लग रहे हैं, राष्ट्रपति आने लग रहे हैं, ठीक है ना, उससे पहले कब आए ये बताओ। ये आरोप लगता है बार बार मोदी सरकार पे, महंगाई बेरोजगारी इस इन सब की वजह से जनता परेशान है। कौन कहने लग रहा है बेरोजगारी है यार? अबे यार उसको छोड़ो यार, वो कहता है मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा यहाँ से आलू निकालूंगा वहाँ से नोट निकलेगा, बाप से तो निकले थी। सही बात है। ये महागठबंधन जो एक हो रहा है मोदी को हराने के लिए, 26 लोग एकजुट हो गए उसमें। कौन महागठबंधन? गठबंधन, अरे मायावती का, मायावती को बोलते हैं बहन, उसका आदमी नहीं, राहुल गांधी की लुगाई नहीं, और वो उधर से वो वहाँ पे ममता बनर्जी उसका लुगाई, वो क्या नाम है, खसम नहीं। अरे यार क्या फायदा ऐसे गठबंधन का? और नीतीश जी ऐसे ही अच्छा, तो ये क्या इंडिया नाम रख दिया गया गठबंधन का? बोल रहे इंडिया इस बार बहुत ही अच्छा करने वाला है मोदी को। इंडिया नहीं, मैं आपको सही बताऊं, आप जो ये जो फैक्ट है, इंडिया जो स्टेम करने वाला है ना, वो स्टेम जो उसकी डेमोक्रेसी वैल्यू और जो इंडिया की डिग्निटी जो थी वो आज उस लेवल पे पहुंच चुकी है बॉस, कि ना रूस अमेरिका और चाइना वो भी ना यूं बोलते हैं कि हाँ मोदी जी कुछ करें ना करें। ये बोल रहे हैं कि मोदी खाली बस हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं गलत है। और आज की डेट के अंदर अगर अगर मोदी यहाँ पे है, अगर मोदी यहाँ पे है तो आज यहाँ पे हिंदू भी है और मुसलमान भी है। अच्छा। हाँ, और सब दोनों मिलके रह भी रहे हैं। अगर मोदी ना होते तो क्या चीज ये अगर मोदी ना होता तो देश नहीं होता, तो बॉस दादा आज समाचार नहीं सुन रहे होते। हाँ, फिर वही कहने लोग थे ये अल्लाह आप बताओ। ये क्या बात है? हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अच्छा हाँ ये बहाल होता? हाँ बिल्कुल, मोदी ने बचा लिया क्या? बिल्कुल बचाया पूरा। किसने नहीं बचाया? आप ये देखो ना कि इंडिया की डिग्निटी जो थी वो आज किस लेवल पे है। हम इंडिया के अंदर जो थे वो 67 लेवल पे थे और राइट नाउ वी आर ऑन 7th लेवल। हम आज की डेट के अंदर 7th लेवल पे हैं। अगर आज चुनाव हो जाए, अभी चुनाव हो जाए तो क्या लग रहा है क्या होगा? भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो आज की डेट के अंदर देखो पार्टी वगैरह कुछ भी करें हमें नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर अपना यूथ खड़ा हो जाता है ठीक है ना, तो मोदी नंबर 1 पे ही है। नंबर 1 पे बिल्कुल। बोला यूथ मेरे साथ में है। अरे ये फिर मैं फिर गाली बक दूंगा। फिर युवा बगल में खड़ा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं नहीं बहुत बढ़िया बोल रहे थे आप। आप बताओ युवा हो आप, एक मिनट भैया, युवा हो, युवाओं को सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मोदी सरकार ने युवाओं को बेरोजगार कर दिया, युवाओं के लिए नौकरी नहीं निकाल रहे हैं। इस चक्कर में युवा इस बार जो है ना, इस बार पलटी मारने वाला है, इस बार कांग्रेस की तरफ जाने वाला है युवा, क्या लग रहा है? कौन कह रहा है कि युवा के लिए रोजगार नहीं है? अगर अगर मैं करने नहीं चाहूंगा, मैं 10 रुपये घर से लेके गुटखा खा के हम बत्ता खेलने जाऊंगा, बोलूंगा रोजगार नहीं है। हर प्राइवेट कंपनी में जाओ, किसमें वैकेंसी नहीं चल रही, गवर्नमेंट की वैकेंसी चल रही है। समय अगर हम पढ़ेंगे नहीं और बोलेंगे हमें गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो गवर्नमेंट क्या हमें घर ला के जॉब दे देगी? प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर मैं मेहनत
नहीं करूँ और बोलूँगा मुझे जॉब नहीं मिल रही है, रोटी नहीं बनाऊँ मुझे खाना नहीं खाया। अरे रोटी बनाऊँ जब तो खाना खाऊंगा, पढ़ूंगा जब तो मैं आगे नौकरी करूंगा, और पढ़ूंगा इन्हें तो नौकरी कहाँ से कर पाऊंगा बताओ। तो फिर बेरोजगारी कहाँ से आई बताओ, बिल्कुल नहीं है। बोले कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है। अरे कैसे मिलेगा, वन सेकेंड अगर सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो फिर सरकारी स्कूल में बच्चे किसके पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में बच्चे किसके पढ़ेंगे। मैं गवर्नमेंट में हूँ, मेरा बेटा प्राइवेट में जाएगा जाएगा जी। तो गवर्नमेंट जो है ना, इसलिए जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, और मोदी जी को ही सरकार आना चाहिए, दूसरा नेता कोई नहीं। और कोई चेहरा कौन है, कोई चेहरा है तो बता दो। अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, ममता। नहीं नहीं, केजरीवाल के नाम मत लीजिए तो ज्यादा सही है। अरविंद केजरीवाल किसका, अरविंद केजरीवाल ओ भाई, एक सेकंड एक सेकंड सर, आपने कभी भी आज तक इस चीज को कभी इम्प्लीमेंट करते हुए देखा होगा कि कोई भी आदमी, कोई मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री बना है, उसके मुंह पे स्ट्रेट अवे थप्पड़ मार के बेंचो चला गया। देखिए केजरीवाल साहब 8 साल में अपनी खांसी नहीं ठीक कर पाए तो जनता की क्या समस्या ठीक करेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हाँ, जनता क्या समस्या ठीक कर, उन्होंने क्या कर दिया, बिजली पानी फिर बोला था, बिजली पानी वाला आप आज की दिल्ली में जाके पूछ लो, बिजली का वही रेट हो गया। और आज दिल्ली में आज दिल्ली में देख लो कितना कर्ज है दिल्ली के ऊपर आज के डेट में, दिल्ली में आज के डेट में कितना कर्ज है। अच्छा, बहुत ज्यादा कर्ज है। वो कर्ज उठवा रहे, आपने कुछ दिन पहले न्यूज सुना होगा श्रीलंका का क्या हाल हुआ था, वहाँ की सरकार ने क्या किया था, ये फ्री वो फ्री सारा। जब अगर कुछ करोगे ना भैया, फ्री का खाने की आदत हो जाएगी हमें। तो फिर केजरीवाल भी वही बोल रहे हैं, मोदी ने देश को, केजरीवाल ये बोल रहे हैं मोदी ने देश को बेच दिया। क्या बेच दिया मोदी ने क्या बेच दिया, कुछ धरती बेचा, आसमान बेचा, रेलवे बेचा, सड़क बेचा, आसमान पे तो कब्जा कर लिया, चांद पे कब्जा कर लिया, और बेच कहाँ दिया भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो, चांद पे कब्जा कर रहे करो, बेच दिया हमने तो चांद पे झंडा गाड़ के आए हैं, और क्या, और हमने बेच दिया चांद, धरती को बेच दिया, आसमान केजरीवाल बोले देश को बेच दिया। अरे बोलने दो भाई, हाथी चलेंगे कुत्ते भोगते रहेंगे मगर हमें तो मोदी जी चाहिए भाई, बिल्कुल मोदी चाहिए और कोई नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लाल किला का बता, मैं एक बात बताता हूँ आपको, सुनो मैं एक बात बताता, अरे रुको तो सही यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ। विश्वास कुमार है, बहुत बड़े कवि हैं, हाँ उनके बहुत सारे कवि सम्मेलन आते रहते हैं, उनके पास किसी ने ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि अजीत तुम्हारा चंद्रयान लैंड होने में थोड़ा देर लग गया, तो उन्होंने एक बात बोली कि झंडे में चांद और चांद पे झंडे होने में बहुत फर्क है भैया। तो क्या लग रहा है फिर इस बार फैरने वाला है, इस बार नहीं रहा है, कंफर्म है मोदी जी, कंफर्म है। 24 में कौन, मोदी 24 में कौन, मोदी, एक शब्द, एक मोदी।